नमस्कार मेरे प्यारे भावी शिक्षकों, आप सभी लोग का भारत ट्रिप टीचिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। इन छोटी छोटी वीडियो में के माध्यम से आप सभी लोग के जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न बनाए जाते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षा, आज उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, खूब अच्छे समझेंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम के आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखेंगे शिक्षक केंद्रित शिक्षा, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, ये जो शिक्षा व्यवस्था थी ये हमारे देश में प्राचीन काल में यही शिक्षा व्यवस्था चलती थी। वर्तमान समय में हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति चल रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती है। तो पहले हम ये समझेंगे कि प्राचीन काल में हमारे वहां जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा था उसका मतलब क्या था। देखिएगा पहला क्या कह रहा है कि शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता था। इसमें क्या कहा जा रहा है, शिक्षक जो था वो शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता था। अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा, अगर ये वृत्त है तो इसका केंद्र बिंदु कौन है, यहां पे बात किया जा रहा है शिक्षक का, इसका केंद्र बिंदु कौन है, शिक्षक। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु है वो शिक्षक है। ये हमारी प्राचीन काल में ये व्यवस्था हमारे वहां थी, लेकिन वर्तमान समय में हमारे वहां ये व्यवस्था नहीं है। हमारे वहां बाल केंद्र शिक्षा व्यवस्था इस समय चल रही है, तो ये अब क्या है, ये पुराना हो चुका है, ठीक है। दूसरा कह रहा है बच्चा निष्क्रिय अंग होता है, यानी बच्चा इसमें कुछ भी सक्रिय होकर काम नहीं करता है, टीचर जो चाहता है वो पढ़ाता है। लेकिन वर्तमान परिवेश में हमारे वहां जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है बाल केंद्रित, उसमें बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, बच्चे की अभिरुचि क्या है, बच्चे की योग्यता क्या है, बच्चे की जिज्ञासा क्या है, बच्चे की वृद्धि एवं विकास की किस अवस्था में, उसके अनुरूप उसको शिक्षा दिया जाता है। यानी बालक जो चाहता है उसके अनुरूप उसको शिक्षा दिया जाता है, बालक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होता है। शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की होती है। तो आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे। तीसरा अपने एक बार समझने का प्रयास करेंगे, पाठ्यक्रम शिक्षक के अनुरूप होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, शिक्षक के अनुरूप होता है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में जो भी पाठ्यक्रम जो भी करिकुलम बनाया जा रहा है वो बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, बच्चों की इच्छाओं के अनुसार उनकी रुचि के अनुसार बनाया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है शिक्षक केंद्रित शिक्षा में और बाल केंद्रित शिक्षा में। और यहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो आप तीन पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, शिक्षण अधिगम शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता था, उस समय शिक्षण जो जो शिक्षक होता था वो क्या होता है, शिक्षक केंद्र बिंदु होता था, और बच्चा निष्क्रिय अंग होता है। लेकिन प्राचीन काल में बच्चा निष्क्रिय होता था, चुपचाप बैठा होता था, मास्टर साहब जो कहते थे वही सुनता था, ठीक है। तीसरा है पाठ्यक्रम शिक्षक के अनुरूप होता था, मास्टर साहब डंडा लेके आते थे, कहते थे आज हम ये तुमको पढ़ाएंगे, यही था शिक्षक केंद्र शिक्षा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक करेंगे और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।